सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वीडियो तेलंगाना के हैदराबाद की है, जहां पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल एम्बुलेंस को रास्ता बनाने के लिए 2 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। लोगों ने ट्रैफिक कांस्टेबल के इस काम को काफी सराहा है। खबरों की माने तो ये वाकया सोमवार की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच का है, जब हैदराबाद में जीपीओ जंक्शन इलाके में एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई। इस पर वहां ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल जी बबजी ने ट्रैफिक से एम्बुलेंस को निकालने के लिए खुद ही मोर्चा संभाला और एम्बुलेंस के आगे दौड़कर उसके लिए रास्ता बनाया। TOI की रिपोर्ट की माने तो जी बबजी ने बताया कि शाम के समय ट्रैफिक चरम पर होता है। इस दौरान उन्होंने देखा कि एक एम्बुलेंस ट्रैफिक के चलते नहीं निकल पा रहा है, इसलिए उन्होंने खुद ही लोगों को रास्ता से हटने की अपील की और एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाकर उसे आगे निकाला। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बाबजी बाइक चालक से एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए कह रहे हैं और 4 व्हीलर्स के लिए रास्ता बनाकर एम्बुलेंस को ट्रैफिक से निकाल रहे हैं। जी बाबजी ये सब कर रहे हैं तब एम्बुलेंस में बैठे एक इंसान ने अपने मोबाइल से उनका वीडियो शूट किया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगा है और लोग इसे इंसानियत की एक मिसाल का उदाहरण दे रहे हैं। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।